गिवन दिया हुआ है ए बी सी डी इज अ रोम्बस एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी ए सी डी एंड डी ए. ये आपके गिवन हो गए और इन गिवन के चलते हमें प्रूव करके दिखाना है दिस पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल. प्रूफ शुरू करेंगे. तो अभी फिलहाल पी क्यू आर एस एक नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल है और कोई भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हमें रेक्टेंगल प्रूफ करना होता है तो दो रास्ते होते हैं. एक रास्ता सारा 90 डिग्री आप प्रूफ करो, उससे आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा. और दूसरा रास्ता आप उससे पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करो, उससे 90 डिग्री अप्लाई करो और उसके बाद आपको रॉम्बस मिलेगा. हाँ सॉरी, रेक्टेंगल मिलेगा. अपोजिट साइड हाँ अपोजिट साइड से इक्वल प्रूफ करने से रेक्टेंगल तो प्रूफ नहीं होगा. आपको 90 चाहिए ना, क्योंकि रेक्टेंगल देखो अपोजिट साइड अगर आपने इक्वल प्रूफ कर दिया तो आपको मिलेगा पैरेललोग्राम. ठीक है, दोनों पैर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ कर दिया तो आपको पैरेललोग्राम मिलेगा. लेकिन रेक्टेंगल मिलने के लिए उसके बाद आगे आपको बढ़ना पड़ेगा. आगे क्या आपको 90 इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, उसके 90 के बाद आपको रेक्टेंगल मिल जाएगा. ठीक है, अब ये कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम करना है. तो पैरेललोग्राम का जो टॉपिक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सिमिलर टॉपिक आपको यूज करना है. एक बार और देख लो, ये जो मैंने चेन बनाया इसको याद रखो आप लोग. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम यूज करने के लिए ट्राइंगल की जरूरत है. हमें ऐसा ट्राइंगल फाइंड करना है जिसमें मैं मिड पॉइंट थ्योरम को यूज कर सकूं. तो आप ये डायगोनल देखो, इस डायगोनल के अपर पार्ट में जो ट्राइंगल दिख रहा है ए बी डी उसे लिखो. सो इन ट्राइंगल ए बी डी तो इसमें आपको दो जगह मिड पॉइंट मिलेगा इस ट्राइंगल के अंदर पी और एस. तो इन दोनों की वजह से सेंस पी एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए डी. देयरफॉर अब ये दो मिड पॉइंट है. मैंने सिखाया था कि कोई भी ट्राइंगल में अगर आपको दो जगह मिड पॉइंट मिलता है तो उनको जोड़ने वाला लाइन नीचे वाले साइड के साथ पैरेलल होता है और हाफ होता है. तो इनको जोड़ने वाला लाइन कौन है दोनों मिड पॉइंट? पी एस. तो पी एस इज पैरेलल टू ई डी एंड पी एस इज हाफ बी डी. तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 मिड पॉइंट थ्योरम. अभी आप नीचे वाला ट्राइंगल सिलेक्ट करो बीसीडी. इन ट्राइंगल बीसीडी सेंस क्यू और आर, क्यू एंड आर द मिड पॉइंट्स ऑफ बीसी एंड सी डी. देयरफॉर क्यू आर इज पैरेलल टू बी डी एंड क्यू आर इज इक्वल टू हाफ बी डी. दो पॉइंट आ गए. तो इन दोनों पॉइंट को मैं नंबर 2 डाल देता हूं. यहां भी मिड पॉइंट. अभी दोनों बात को हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम 1 and 2. We get QR is parallel to BD and BD is parallel to PS. So हमें PS और QR parallel मिलेगा. So PS is parallel to QR. QR is equal to half BD and half BD is equal to PS. So QR is equal to PS. So PS is equal to QR.
सो इसके चलते क्या मिला, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया। अब पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हमारा टारगेट है 90 फाइंड करने का। अब 90 हम कैसे फाइंड करते हैं, मैं आप लोगों को पूरा प्लानिंग दिखाता हूँ पहले, फिर हम लोग फाइंड करेंगे। हम लोग सबसे पहले एक काम करता हूँ, पहले आप कुछ नाम डाल देता हूँ एम। सबसे पहले ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ना, टी एम ओ एन दिखा दिया, टी एम ओ एन, इस क्वाड्रिलेटरल को पहले पैरेललोग्राम प्रूफ करें, क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ करने से हमें इसके अपोजिट एंगल इक्वल मिलते हैं। हर पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो अगर मैंने इसका पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो मुझे ये दो अपोजिट एंगल इक्वल मिल जाएंगे। आप लोग जानते हो ना कि रॉम्बस में यहां पे कितना डिग्री होता है, 90 होता है। क्यों होता है यहाँ 90 क्यों होता है, जी डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, द डायगोनल्स ऑफ अ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर, तो इस वजह से हमें यहाँ 90 मिलता है। तो अगर यहाँ 90 है और ये पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर दिया तो इसका अपोजिट एंगल ये है, वहां भी 90 होगा। अब यहाँ 90 हुआ तो इस PQRS के अंदर में अगर यहाँ 90 है तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, क्योंकि PQRS एक पैरेललोग्राम है जो हमने प्रूफ किया और उसके पी पॉइंट पे हमने 90 डिग्री प्रूफ किया। तो अगर PQRS में 90 है तो PQRS इज अ क्लियर। अब इसको करेंगे हम लोग इन क्वाड्रिलेटरल पी एम ओ एन पी एन। देखो मैं इसमें जो कंसेप्ट यूज करूंगा वो है, अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में आप अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स को, दोनों पैर नहीं पैर की बात नहीं है, दोनों पैर को आप पैरेलल दिखाते हो तो वो पैरेललोग्राम बन जाता है, वो यूज करेंगे आप। तो अभी इस क्वाड्रिलेटरल का पीए वाला साइड मैं एमओ के साथ पैरेलल बोल सकता हूँ, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था पी एस इज पैरेलल टू बी डी, तो उसी में पी एन और एमओ लाई करता है तो वो दोनों भी पैरेलल हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे पी एन इज पैरेलल टू एमओ, सो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट इसके लिए हम लोग रीजन पुट करेंगे पी एस इज पैरेलल टू बी बी, इसके लिए हम लोग रीजन पुट करेंगे। सेकेंड पॉइंट पी एम इज पैरेलल टू, ये जो पी एम है वो पैरेलल होगा एनओ के साथ, इसके लिए रीजन आएगा पी क्यू इज पैरेलल टू एसी। अब हमने ये प्रूफ तो नहीं किया लेकिन ये सिमिलर प्रूफ ही है, जैसे हमने एबीडी ट्राइंगल को यूज करके पी और एस को मेड पॉइंट बताया तो हमें पी एस पैरेलल टू बी डी मिला। अब वैसे ही एबीसी ट्राइंगल को अगर लेते तो एबीसी ट्राइंगल में दो मेड पॉइंट पी और क्यू है, तो एबीसी ट्राइंगल के इन दोनों मेड पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन पी क्यू है, तो पी क्यू लाइन थर्ड साइड एसी के साथ पैरेलल होगा, तो पी क्यू इज पैरेलल टू एसी, ठीक है। तो ये मैंने शो नहीं किया बट आप लोग लिख सकते, therefore T M O N is a parallelogram। आप शो करना था, शो करने से आप एक काम करो, जब वो तीन दो ट्राइंगल आप कर रहे थे अब वहीं पर इस ट्राइंगल को भी करके रख दो, यहां से भी सिमिलरली करके रख दो, ठीक है, सिमिलरली करके पॉइंट नंबर डाल के रख दो, आप यहां पे उसको यूज कर लो। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम लोग लिख सकते हैं कि इसके ऑपोजिट एंगल, ये वाला जो एंगल मैं बोल रहा था और ये वाला जो एंगल बोल रहा था, दोनों एंगल यहां हम इक्वल दिखा सकते हैं। एंगल एम टी एम मतलब ये वाला एंगल इज इक्वल्स टू एम ओ एन मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिया, क्लियर। ओके ये क्लियर यहां तक, हाँ अच्छा। अब हमें यहां पर 90 डिग्री बताना है, तो अब मेरे को इसके बारे में पहले मेंशन करना पड़ेगा ये कैसे 90 डिग्री है,
तो हम लोग इसमें ऐसे दिखाएंगे सिंस, इसको मैं नंबर डाल देता हूं, क्या नंबर आएगा, थ्री, आप पैरेललोग्राम को नंबर थ्री डालो, पैरेललोग्राम को थ्री डालो, यहां आप फोर डालो, डायगोनल्स ऑफ रॉम्बस आर परपेंडिकुलर, सो अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर है तो हम लोग एम ओ एन को 90 डिग्री दिखा सकते, अगर ये 90 डिग्री है तो हम लोग लिखेंगे therefore एंगल एम पी एन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री फ्रॉम 4 फ्रॉम 4, ये 90 डिग्री। अब एम पी एन अगर 90 डिग्री हो गया तो ये पॉइंट को मैं कुछ नंबर डाल देता हूं 5। अब देखो इस पैरेललोग्राम के अंदर आपने 90 फाइंड कर दिया तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो गया, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम 3 एंड 4 5 वी गेट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। हम लोग हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन नंबर 3 में कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, और पी क्यू आर एस आर द नेट पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। टू प्रूफ हमें अंदर बने हुए क्वाड्रिलेटरल को रॉम्बस प्रूफ करना, सो पी क्यू आर एस इज अ रॉम्बस। अब कई लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैं इसे रॉम्बस प्रूफ करना चाहता हूं तो बेटर है क्वाड्रिलेटरल को, क्वाड्रिलेटरल में दो रास्ते हैं ना रॉम्बस प्रूफ करने के, पहला रास्ता क्या है कि आप इसके ऑल साइड्स इक्वल दिखाओ, दूसरा साइड्स क्या है पैरेललोग्राम दिखा के एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाओ, ओके कर सकते हैं। अभी ये जो टॉपिक है अगर ये मैंने किया तो थोड़ा प्रॉब्लम, रीजन हम लोग जो टॉपिक अभी कर रहे हैं वो है मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों थ्योरम के अंदर भी ये सारे क्वेश्चंस, तो अगर मुझे कोई बात प्रूफ करना है तो इन दोनों थ्योरम को यूज करते हुए ये प्रूफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये टॉपिक यूज किया, ऑल साइड्स इक्वल दिखाने का टॉपिक यूज किया, तो प्रॉब्लम ये आता है कि मैं यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम यूज नहीं कर रहा, क्योंकि देखो अगर मैं ये दो ट्राइंगल यूज करूँ और कॉन्फिडेंट कर दो तो सिंपलिसिटी में मैं एस पी को एस आर के साथ इक्वल कर सकता हूँ, सिंपलिसिटी में आप इक्वल बता सकते हो ना एस पी इक्वल टू एस आर, आप कन्फिडेंट तो कर ही सकते हो क्योंकि ये पूरा फिगर एक रेक्टेंगल है जिसके चलते हमें ए में और डी में 90 डिग्री मिलेगा, ए डी का मिड पॉइंट है एस, अगर एस ए डी का मिड पॉइंट है तो ए एस और एस डी इक्वल मिलेगा, ए बी और डी सी अपोजिट साइड ऑफ द रेक्टेंगल होने की वजह से इक्वल है, दोनों में मिड पॉइंट मौजूद है, मैं दोनों को हाफ ऑफ कर दो तो मेरे को ए पी और डी आर इक्वल मिलेगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है। सीपीसीपी में आप एस पी और एस आर को इक्वल बता सकते हो, सिमिलरली एस आर इज इक्वल टू एस क्यू एंड आर क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, आप ऐसे करके ऑल साइड्स इक्वल बता दो तो रॉम्बस बन जाएगा, लेकिन मैंने कहीं मिड पॉइंट थ्योरम यूज किया नहीं किया ना, तो हम लोग इस वजह से ये रास्ता यूज नहीं करेंगे, हम लोग ये इस तरीके से जाएंगे। ओके तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे जो हमें शुरुआत में टॉपिक यूज किया था क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, मैं अब उसको शो नहीं करता, मैं जस्ट रफली कर देता हूँ। आप अगर ए बी बी ट्रायंगल में मिड पॉइंट थ्योरम यूज करते हो तो आपको क्या मिलता है, एस पी इज पैरेलल टू
BD, SP is half of BD, और DC भी ट्राइंगल में अगर आप सेम कंसेप्ट निप्पन थ्योरम यूज करते हो तो आपको वहां क्या मिलता है, RQ is parallel to BD and RQ is equals to half BD, right? ये आपको मिलता है। तो आप अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों पार्ट को आप कंपेयर करो, कंपेयर करने से आपको क्या मिलेगा, SP is parallel to RQ and SP is equals to RQ, SP is equals to RQ, आपको ये मिलेगा। तो therefore आप बोलोगे PQ RS is a parallelogram, ये आप यूज करो। तो अब parallelogram तो बन जाएगा, लेकिन parallelogram के बाद वाला पार्ट जो है adjacent side equal दिखाने का, वो हमें करना पड़ेगा। वो हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे मैंने अभी थोड़े देर पहले ही दो triangle को contouring करते हुए बताया। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आप एक काम करो, इन rectangle, इन रेक्टेंगल एबीसीडी, एबी इज इक्वल्स टू सीडी, आप इसे पहले कर दो, ये दोनों अगर इक्वल है तो मैं इनमें हाफ मल्टीप्लाई कर सकता हूं। जानते हो कब हाफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है, कब नहीं किया जा सकता? पी और आर ये दो है ना मिड पॉइंट, तो हम इनका हाफ कर सकते हैं। अगर पी एबी का मिड पॉइंट है तो एबी के हाफ से मुझे एबी मिलेगा, सीडी में मिड पॉइंट आर है तो सीडी के हाफ से मुझे आर मिलेगा। आप इसे कोई नंबर डालो, आप इस पैरेललोग्राम को नंबर वन डालो, सॉरी नंबर वन तो नहीं, यहाँ पे आप दो पॉइंट लिखोगे और नंबर वन नंबर टू डालोगे, यहाँ आप फिर डालोगे। कौन से दो ट्रायंगल को ले गए? कब ये करने के लिए? नहीं एडजस्ट करने के लिए, ये नहीं लेंगे, इनको लेंगे, ये दो ट्रायंगल को, इन्हीं को मैंने पहले दिखाया था ना, इसलिए इसको ले रहे, ले तो कोई भी तो सकता है, बट शर्त है अपोजिट बन लेना, एडजस्ट अपोजिट नहीं लेना, आप इसको इसको लो, चाहे इसके साथ इसको या फिर इसके साथ कोई भी दो एडजस्ट लेना है। सो मैं ये दो ट्रायंगल यूज करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने पहले ये पॉइंट निकाल दिया है, इसे मैं नंबर फोर डाल दिया, नंबर फोर। अब मैं कॉन्फिडेंस से शुरू कर सकता हूँ, कॉन्फ्रेंसी में सबसे पहले मैं ट्राइंगल का नाम लिखता हूँ, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल डी एस आर, ये दो ट्राइंगल हो गए। सो यहाँ पे दोनों में सबसे पहले तो मैं यही पॉइंट लिख देता हूँ जो हमने अभी प्रूफ किया, ब्रैकेट में लिख देता हूँ फ्रॉम सेकेंड पॉइंट। अगर एबीसीडी रेक्टेंगल है तो एबीसीडी के चार कॉर्नर में हमें 90 डिग्री मिलेगी, तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, तीसरा पॉइंट, एडी का मिड पॉइंट एस है, एडी एडी का मिड पॉइंट एस है, तो अगर एडी का मिड पॉइंट एस है तो हमें ए एस और एस डी इक्वल मिलता है, ए एस इक्वल्स टू एस डी, रीजन एस इज द मिड पॉइंट ए बी, अब हम लोग एक काम करते हैं, तीन पॉइंट तो हमने बता दिया, तीन पॉइंट से कॉन्फिडेंट हो जाता है ना, तो देयरफॉर हम लोग लिखेंगे ट्राइंगल ए एस पी इज कॉन्फिडेंट टू ट्राइंगल डी एस आर, क्राइटेरिया क्योंकि हमने एपी को डीआर के साथ इक्वल बताया, तो एपी एक साइड है, एंगल ए को 90 डिग्री बता दो, ये एक एंगल है, हमने एएस को एसडी के साथ इक्वल बताया, तो एसडी एक साइड है, एस ए एस ऐसे देखते हैं ना, सो बाय एस ए एस हमने ये इक्वल बता दिया। तो बाय सिटी हमारा टारगेट था एडजेसेंट साइड इक्वल दिखाने का, तो एडजेसेंट साइड में आता है एस पी इज इक्वल टू एस आर, आप इसे नंबर फाइव डालो। अब नंबर थ्री में हमने पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, तो पैरेललोग्राम में अगर एडजेसेंट साइड इक्वल मिले तो मैं उसे रंबस बोल सकता हूं। सो फ्रॉम
3 and 5, 4, sorry, 5, we get PQ RS is a rhombus. Okay?